ओम शांति, वेलकम बैक। आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 21 अक्टूबर के ईश्वर वरदान की, जहाँ परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम एक प्रकार से न्यारे होकर के हर कर्म करें, ताकि हमें सबका प्यार मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट है परम पिता परमात्मा का हमें प्यार मिले। इंसान दुनिया में सब कुछ करता है औरों से नाम कमाने के लिए, शान कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, रिस्पेक्ट कमाने के लिए, लेकिन अगर किसी ने भगवान की नज़र में, परमात्मा की नज़र में, उस रचयिता की नज़र में सच्ची रिस्पेक्ट नहीं कमाई, तो उसने कमाया ही क्या। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या है, इसी चीज़ से रिलेटेड परमात्मा कहते हैं, न्यारी अवस्था में स्थित रहे, डिटैच्ड, न्यारी अवस्था में स्थित रहे हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। सर्व के और परमात्मा प्यार के, मतलब अगर आप डिटैच होकर कर्म करते हैं, वैसे भी हम कहते हैं ना, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, मेरा इस दुनिया में कुछ है नहीं, फिर भी हम अटैचमेंट में आ जाते हैं, मेरे मेरे में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं, मैंने इतना किया, उसने इतना किया, मैंने उसको ये करा, लेकिन उसने ये करा, तो मैंने क्या किया, मेरा है क्या यहाँ पे, इस दुनिया में मेरा है क्या, ये शरीर भी जब हमारा नहीं है तो हमने करा ही क्या इस दुनिया में, मैंने किसका भला किया, क्या चीज़ लेकर भला किया, कहाँ से उठा करके भला किया, क्या चीज़ उठाई मैंने, इसी दुनिया की चीज़ उठाई, इसी दुनिया का धन उठाया, इसी दुनिया का पैसा उठाया और वो किसी और को मदद में लगा दिया, तो क्या वो मेरा था, नहीं। ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं न्यारापन। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, परमात्मा सबसे डिटैच है, कुछ हमसे इच्छा नहीं रखता है, इसलिए सब उनको प्यार करते हैं। अगर वो भी इच्छा रखना शुरू कर दे, कल आपसे बोले कि भैया मैंने तुम्हें तुम्हारी ये सारी इच्छाएं पूरी करी, मेरे को 20% इसका प्रॉफिट दो, कैसा रहेगा। तो न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे, उतना प्यारा बनेंगे। देह की भान से न्यारा मतलब, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, मैंने तुम्हारे जीवन भर इतना किया, मैंने इतनी सेवा करी, मुझे उसको इतना रिटर्न चाहिए, तो ये न्यारापन नहीं रहा, लोग आपको प्यार नहीं कर पाएंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया, जैसे कि अभी मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा आपसे ये महावाक्य के वरदान आपको बता रही हूँ, मैं आत्मा या बता रहा हूँ मैं आत्मा, डजेंट मैटर, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे कि आप प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा शरीर में आकर मैंने कर्म किया, उसके बाद में जैसे कर्म पूरा हो, मेडिटेशन में, वापस ध्यान में, परमात्मा की याद में, बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर के कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए, ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। कि आपने कुछ कर्म किया और किसी ने आपकी महिमा नहीं करी, आप कर्म करते परमात्मा की याद में सारा प्यार उनसे मिल जाएगा, सारी महिमा उनसे मिल जाएगी, फील हो जाएगी आपको, सुनाई दे ना दे लेकिन फील हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे आपने कर्म किया और आप देख रहे हो यहाँ पर कोई तो कुछ बोले, अच्छा बोला, अच्छा किया, अच्छा नहीं किया, और आपके अंदर औरों के प्रति घृणा या नफरत या औरों के प्रति लो सेल्फ एस्टीम या अपने प्रति लो सेल्फ एस्टीम और आत्मविश्वास घटना शुरू, ये टेक्निक है परमात्मा जो हमें सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी में, कि आप कर्म करो और फिर सारा फल परमात्मा छोड़ो, मतलब उनकी याद में बैठ जाओ। फिर परमात्मा कहते हैं, और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे जब हम ऐसा करेंगे। प्यारा परमात्मा, प्यारा परमात्मा, प्यार के अधिकारी बनना, परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। मैं तो कहूँगा फायदा नहीं, सबसे बड़ा फल है इस दुनिया का, और इस फायदे के सामने और कुछ भी नहीं है, सारे फायदे जीरो हो जाते हैं इसके सामने। लेकिन इसको अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, ये प्रैक्टिस करना कि 1 सेकंड में कर्म किया और 1 सेकंड में न्यारे हो गए। लेकिन अगर हमने कोई कर्म कर्म ऐसा किया जो कि पाप कर्म हो गया और फिर हम परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करें, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये सारी विधियाँ हमें सिखाई जाती हैं ब्रह्मा कुमारीज में, 7 डेज का कोर्स करें, या तो फिर आप सैटरडे को कल 5 से 6:30 के टाइम पर स्टार्ट करें, 5 बजे जूम पर आइए, और आपके साथ में बहुत ही ऐसे मीठे मीठे विचार रखे जाएंगे। 2 हमारे स्पेशल सेशन लेने वाले टीचर्स आ रहे हैं, सीनियर टीचर्स, जो कि आपके साथ में बात करेंगे चीज़ों के बारे में। अगर आपको जानना है ये जूम लिंक कहाँ से मिलेगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, अगर आप ये यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट्स में भेजें मुझे, और मैं आपको लिंक भेज दूंगा। इसी के साथ ओम शांति।